नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह के लिए कोदे कुटकी से कुकीज बनाने की मशीनें, कुकीज मेकिंग यूनिट खरीदने में बरती गई वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी कर समूह को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक अखिल शुक्ला को उनकी संविदा सेवा समाप्त करने का नोटिस जारी किया है। जिला प्रबंधक लघु उद्यमिता विकास एवं प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक ग्रामीण आजीविका मिशन अखिल शुक्ला को सप्लायर के साथ मिलीभगत से जनपद पंचायत कुंडम के ग्राम तिलसानी के सरस्वती आजीविका मिशन को वाटरशीट आजीविका मद एवं बैंक ऋण के माध्यम से घटिया मशीनें अधिक कीमत पर उपलब्ध कराने पर दोषी पाया गया है। अधिक कीमत पर घटिया मशीनें सप्लाई कर की गई धोखाधड़ी की यह शिकायत खुद सरस्वती आजीविका समूह के सदस्यों ने जनसुनवाई में कलेक्टर श्री सक्सेना को की थी। कलेक्टर ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही जिला पंचायत के सीईओ को जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं। वो जो कुकीज कुकीज बनाने की योजना बड़ी धांधली हुई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई जिला प्रशासन? ये जानकारी जिला प्रशासन को न्यूज चैनलों के हवाले और जनप्रतिनिधियों के हवाले हम लोगों को पता लगा था कि ग्राम तिलसानी में कोदो कुटकी एक मशीन बनाने के लिए जो कार्रवाई हुई थी उसमें डिस्क्रिप्शन के अनुरूप जो है मशीनें उनको नहीं उपलब्ध कराई गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी ही ख़राब हो गई थी और उनको क्षति भी हुई थी। इसके संबंध में एक यहाँ से दल कायम करा गया था सीओ जनपद के स्तर पे, जिसने ये पूरी जांच करी। जांच में ये चीज़ सही में सामने आई थी कि जो मशीनें इनको दी जानी थी, जो डिस्क्रिप्शन टेक्निकल इसके दिए गए थे उसके अनुरूप ना करते हुए इनको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की मशीनों को उपलब्ध कराया गया था। इस पे मौका जैसे ही हम लोगों के पास जांच रिपोर्ट आई, तत्काल प्रभाव से संबंधित जो DPM NRLM का चार्ज जिनके पास था उनको SCN जारी कर दिया गया है और SCN में यही हिदायत दी गई है कि समक्ष में होकर के उनके विरुद्ध सुनवाई करी जाएगी। सुनवाई में जो है जो दल है जिसके साथ ही धोखाधड़ी का मामला सामने आया है उसको भी समक्ष में सुनवाई हो रही है और जिस दल ने जांच करी है जनपद स्तर के दल ने उसको भी समक्ष बुलाया जाएगा। 29 नवंबर की जो है ये सुनवाई हो रही है, कलेक्टर साहब इसमें सुनवाई खुद कर रहे हैं और SCN भी यही जारी करा गया है कि अगर ये दोष सिद्ध पाए जाते हैं तो व्यक्ति संबंधित जिसके विरुद्ध SCN जारी हुआ है DPM NRLM जो यहाँ पर है उनके विरुद्ध टर्मिनेशन की कार्यवाही और FIR की कार्यवाही होगी। इस तरह से महिलाओं के साथ जो मशीनें हैं उसके लिए आगे क्या कार्रवाई होती है? जैसे ही ये सुनवाई कंप्लीट हो जाती है तो उसमें आवश्यक कार्यवाही बिल्कुल कर दी जाएगी। अगर हम लोगों को लगता है कि कंप्लीट मशीन का रिप्लेसमेंट ही ज़्यादा उचित कार्रवाई है तो वो भी करा जाएगा। क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि जो मशीनें उनको उचित रूप से दी जानी चाहिए थी वो उनको उपलब्ध करा दी जाए। हमें बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, इसमें पूरे मामले में जिला प्रशासन की भी कहीं ना कहीं छवि दिखनी चाहिए। इस तरह के और भी मामले कई बार सामने, इस पर क्या रुख रहेगा आगे जिला प्रशासन किस तरह से आगे? जिला प्रशासन का इसमें रुख यही रहेगा कि कोई भी अगर कार्रवाई आगे से जानकारी आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई कर दी जाए। जैसे ही कोई तत्काल कार्रवाई करती है ये जिला प्रशासन की तरफ से अपने आप में बड़ी हिदायत ही हो जाती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा अटेम्प्ट ना करे। और चूँकि समय सीमा के अंतर्गत ही इसका निराकरण किया जा रहा है तो हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरेंस का काम करता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच भी रहा होता है तो वो आगे कदम नहीं उठाए।